तो बच्चों चलिए फिर आज हम शुरू करने वाले हैं आपके स्टैंडर्ड सिक्स की 12वां चैप्टर यानी कि 12वीं कविता मराठी सब्जेक्ट की शाळा नको आता सुटायला। आप सब अपनी अपनी मराठी की बुक्स निकाल लीजिए और इसमें जो 12वीं कविता है हमारी शाळा नको सुटायला आज हम पढ़ेंगे और इसका मतलब समझेंगे। तो बच्चों हर किसी को अपने स्कूल जाना, पढ़ना लिखना, वहाँ पे खेलना कूदना, अपने दोस्तों से मिलना, अपने टीचर्स से सीख लेना सबको अच्छा लगता है। हर कोई स्कूल जाना पसंद करता है। आज हमारी जो कविता है शाळा नको आता सुटायला यानी कि शाळा यानी कि स्कूल, नको यानी कि नहीं, आताश यानी अभी, सुटायला यानी छुट्टी होने के लिए यानी छूटने के लिए या बंद होने का वक्त जो होता है स्कूल का, मतलब अभी स्कूल नहीं छूटना चाहिए। या हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि छोटी उम्र में बच्चों की स्कूल नहीं छूटना चाहिए, उनकी स्कूल बंद नहीं होना चाहिए, उनकी पढ़ाई जो है वो चलती रहना चाहिए, ऐसा भी हम यहाँ पर इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। यानी कि स्कूल नहीं बंद होनी चाहिए, अभी स्कूल नहीं बंद होनी चाहिए, ऐसा इसका मीनिंग होता है। इस कविता की लेखिका है कवित्री है ज्योति कदम, इन्होंने ये कविता लिखी हुई है। तो चलिए फिर अब इस कविता को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। ऐका मना वाचा यानी कि सुनो कहो और पढ़ो। पाटी नको आताच फुटायला, शाळा नको आताच सुटायला, भरभर सारे आवरून घेऊया, काय म्हणतात गुरुजी ऐकूया, चला ज्ञानाचा खजिना लुटायला, शाळा नको आताच सुटायला। इतिहासांमध्ये राजा आणि राणी, मराठीतही गोड गोड गाणी, गणितातली कोडी लागली सुटायला, शाळा नको आताच सुटायला। चंद्र ताऱ्यांना चला निरखूया, विज्ञान गमतीही पारखूया, इंग्रजीचे शब्द लागले आठवायला, शाळा नको आताच सुटायला। बाई सांगतात माहिती अवांतर, गुरुजी देतात धडे निरंतर, यशाची शिखरे लागलीत दिसायला, शाळा नको आताच सुटायला। शाळा नाही तुरुंग आहे ज्ञानाचे द्वार, सगळ्यांसह मिळून ज्ञान अपार, सगळ्यांसह मिळवू ज्ञान अपार, जग लागले आता कुठे सम जायला, शाळा नको आताच सुटायला, शाळा नको आताच सुटायला। कवयित्री का नाम दिया गया है यहाँ पर ज्योति कदम। आइए इस कविता को अच्छे से समझ लेते हैं। जब हम ये कविता पढ़ते हैं तो आप सब बच्चे पेंसिल से इसके अंदर जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मीनिंग्स लिख लीजिए और जिस तरह से हम उच्चार करते हैं उसी तरह से आप भी उच्चार करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको भी मराठी भाषा अच्छे से पढ़ने और बोलने और लिखने आ जाए। तो चलिए फिर। पाटी नको आताच फुटायला, शाळा नको आताच सुटायला। पाटी, पाटी यानी कि तख्ती। तख्ती आप सब जानते हैं कि जो एक काले इसकी होती है, लोहे की होती है या प्लास्टिक की भी होती है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, हमारे जो खड़ू होते हैं जो उनसे चौक से हम लिखते हैं उसको पाटी कहते हैं। पाटी यानी तख्ती। नको आताच फुटायला यानी तख्ती अभी नहीं फूटनी चाहिए, अभी तख्ती नहीं फूटनी है या अभी नहीं फूटनी चाहिए। पाटी यानी तख्ती, नको यानी नहीं, आताच यानी अभी, फुटायला यानी फूटना, फूटने के लिए, तख्ती अभी नहीं फूटनी चाहिए।
शाळा नको आताच सुटायला, शाळा याने स्कूल, नको याने नहीं, आताच याने अभी, सुटायला याने छूटने का, छुट्टी होने का वक्त जो है या छोड़ने का वक्त जो है। शाळा यानी कि स्कूल, शाळा नको आताच सुटायला याने स्कूल अभी नहीं छूटनी चाहिए या छुट्टी नहीं होनी चाहिए। भर भर सारे आवरून घेऊया, भर भर याने जल्दी जल्दी, सारे यानी के सब, हम सब, आवरून घेऊया यानी के हमारे जो बैग है, हमारा जो बस्ता है, हमारे जो कापियां हैं, पेन है, पेंसिल है, वो सब हम क्या करते हैं स्कूल में जाकर इधर उधर रखते हैं, सब दोस्त मिलकर पढ़ते हैं, लिखते हैं, सारे स्कूल से हम मस्ती करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब स्कूल छूटने का वक्त हो गया है तब हम भर भर सारे आवरूया यानी कि हम वो सब जो हमारी चीज़ें हैं वो जल्दी जल्दी से हमारे बैग में डालेंगे, हम हमारी चीज़ें जमा कर लेंगे। आवरून घेऊया यानी कि हम सब वो साफ कर लेंगे या हम सब वो अपने बैग में भर लेंगे। काय म्हणतात गुरुजी ऐकूया यानी कि काय म्हणतात यानी क्या कहते हैं गुरुजी यानी हमारे टीचर या सर जो भी है, हमारे जो गुरुजी हैं, ऐकूया वो क्या कह रहे हैं ये हम ऐकूया यानी सुनेंगे, हमारे जो गुरुजी है वो हमसे क्या कह रहे हैं वो हम अच्छे से सुनेंगे। भर भर सारे आवरून घेऊया काय म्हणतात गुरुजी ऐकूया यानी के सब हम जल्दी जल्दी से निपटा लेंगे हमारे जो काम है और हमारे गुरुजी हमारे टीचर क्या कह रहे हैं ये हम अच्छे से सुनेंगे। चला ज्ञानाचा खजिना लुटायला, चला यानी चलो, ज्ञानाचा खजिना यानी के नॉलेज जो है, मालूमात जो हमको वहाँ पर मिलती है स्कूल में जाने से, हमारे अंदर जो नॉलेज आता है, जो मालूमात मिलती है हमको, हमको जो ज्ञान मिलता है उसका खजीना यानी के खजाना, लूटायला यानी लूटने के लिए, चलो हम नॉलेज का या हमारे इसका ज्ञान का खजाना लूटने के लिए चलते हैं। शाळा नको आताच सुटायला यानी के स्कूल अभी नहीं छूटनी चाहिए या स्कूल अभी बंद नहीं होनी चाहिए। इतिहासामध्ये राजा आणि राणी, इतिहास यानी के हिस्ट्री, हमारी तारीख में जो राजा और रानियों की कहानियां हैं, जो उनके किस्से हैं, जो उनकी तारीख हमको बताई गई है, जो उनका इतिहास हमको बताया गया है। इतिहासामध्ये राजा आणि राणी, इतिहास यानी आपका जो सब्जेक्ट है, तारीख या हिस्ट्री आप जिसे कहते हैं, वो सब्जेक्ट में क्या है, हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो पुराने लोग हैं, राजा और रानी है, उनके बारे में बताया गया है। मराठी ते ही गोड़ गोड़ गानी, मराठी सब्जेक्ट में क्या है, मीठी मीठी, गोड़ गोड़ यानी कि मीठी मीठी गानी यानी कि कविताएं हैं, मीठी मीठे गाने हैं। गणितातली कोड़ी लागली सुटायला यानी कि गणित, मैथ में, मैथ में की जो ये है सॉल्यूशन है वो हमको अब क्या हो गए, करने आ गए, मैथ में के जो सवाल है वो हमको अब जल्दी जल्दी सॉल्व करने आ गए। गणितातली कोड़ी लागली सुटायला यानी कि मैथ में के जो मुश्किल क्वेश्चन है वो अब हमको सॉल्व होने आ गए हैं, छोड़ने आ गए हैं। शाळा नको आताच सुटायला यानी कि स्कूल अभी नहीं छूटना चाहिए। चंद्र ताऱ्यांना चला निरखुया यानी कि चांद तारों को चलिए, निरखुया यानी निहारते हैं, उसे देखते हैं, चांद तारों को हम क्या करते हैं, चलो निहारते हैं, उनको देखते हैं। विज्ञान गमती ही पारखुया, विज्ञान यानी साइंस, गमती ही यानी कि साइंस की जो गम्मत है या साइंस की जो एक मज़ा है वो हम क्या करते हैं, पारखुया यानी कि उसको परखते हैं, साइंस के अंदर जो चांद तारों को देखने की, उनको निरखने की, उनको परखने की जो एक मज़ा है वो हम क्या करते हैं, चलिए उसे हासिल करते हैं, उसे परखते हैं। इंग्रजीचे शब्द लागले आठवायला यानी कि इंग्लिश के जो मुश्किल अल्फाज है, जो अल्फाज है हमको वो याद आ रहे हैं, आठवाला यानी याद आ रहे हैं। इंग्रजी के शब्द यानी इंग्लिश के जो अल्फाज है, लागले आठवाला यानी हमको याद आने लग गए हैं। शाळा नको आताच सुटायला यानी कि स्कूल मेरी अभी नहीं छूटनी चाहिए या छुट्टी नहीं होनी चाहिए। बाई सांगतात माहिती अवांतर, बाई यानी के टीचर,
सांगतात यानी के कहती हैं, हमें सुनाती है, माहिती यानी के मालूमात, अवांतर यानी के हमारे पढ़ाई के बाहर की भी मालूमात हमारे टीचर हमें देते हैं, हमें ज़िंदगी में किस कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, किस तरह की नॉलेज ज़रूरी है, हमें जो मालूमात है ज़िंदगी की वो कौन देता है, हमें हमारे जो टीचर्स है वो देते हैं। अवांतर यानी के हमारे पढ़ाई के अलावा और भी जो नॉलेज है, जो मालूमात है वो हमको हमारे टीचर्स देते हैं। बाई सांगतात माहिती अवांतर यानी के हमारे पढ़ाई के अलावा बाहर की भी मालूमात हमको हमारे टीचर्स देते हैं। गुरुजी देतात धड़े निरंतर यानी के हमारे जो गुरुजी है, जो सर है हमारे, देतात धड़े यानी के हमको क्या करते हैं, धड़े यानी के सीख देते हैं, हमेशा क्या देते हैं, सीख देते हैं, निरंतर यानी हमेशा, हमारे जो गुरुजी है वो हमको हमेशा सीख देते हैं, निरंतर यानी के हमेशा, ना ख़त्म होने वाली ऐसी हमको सीख देते हैं। यशाची शिखरे लागलीत दिसायला, यशाची यानी तरक्की की, कामयाबी की, शिखरे यानी के हम जिसे कहेंगे एक ऊंची, मतलब हमको तरक्की जहाँ से अच्छी हम जहाँ पर मतलब ऊंची जगह पर पहुँच रहे हैं, ऐसा यानी कि एक शिखर यानी कि जैसा पहाड़ का ऊपरी हिस्सा होता है वैसा ही हमारे तरक्की के एकदम शिखर पर हम पहुँच गए हैं। लागलीत दिसायला ऐसा हमको दिख रहा है यानी कि हमारे टीचर्स और हमारे सर की वजह से हमको जो वो हम दुनिया के बारे में, हमारे ज़िंदगी के बारे में मालूमात देते हैं, उसकी वजह से यशाची शिखरे यानी कि कामयाबी के शिखर या कामयाबी के पहाड़ हमको चढ़ते हुए, हम ऊंचे पहाड़ों पे चढ़े हुए दिसायला यानी कि दिख रहे हैं। शाला नको आताच सुटायला यानी कि स्कूल अभी नहीं छूटना चाहिए। शाला नहीं तुरुंग आहे ज्ञानाचे द्वार, शाला यानी के स्कूल, नाही यानी के नहीं है, तुरुंग यानी के जेल, कारावास जिसे कहते, शाला नहीं तुरुंग यानी स्कूल कोई जेल नहीं है। आहे ज्ञानाचे द्वार यानी के वो क्या है, ज्ञानाचे यानी के हमको अलग अलग तरह की नॉलेज देने की जगह है, हमको जो दुनिया की मालूमात हासिल होती है, हमारे जो सब्जेक्ट में जो हमको मालूमात हासिल होती है हमको उससे क्या मिलता है, बहुत नॉलेज मिलता है, बहुत ज्ञान मिलता है, तो ये क्या है, हमारी स्कूल जेल नहीं है, वो क्या है, ज्ञान का द्वार है यानी कि ज्ञान का दरवाज़ा है, यहाँ पर क्या खुलता है, ज्ञान का दरवाज़ा खुलता है। सगळ्यांसह मिळून ज्ञान अपार यानी के सबके साथ मिलकर, सगळ्यांसह मिळून यानी के सबके साथ मिलकर, ज्ञान अपार यानी के हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल करेंगे, बहुत ज़्यादा ज्ञान को हासिल करेंगे, अपार यानी कभी भी ख़त्म ना होने वाला, ऐसा हम ज्ञान हासिल करेंगे, बहुत ज़्यादा ज्ञान हम हासिल करेंगे। सगळ्यांसह मिळून यानी के हमारे सब दोस्तों के साथ, हमारे सब लोगों के साथ मिलकर हम क्या करेंगे, हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा ज्ञान हासिल करेंगे। अपार यानी के जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा बहुत ज़्यादा। जग लागले आता कुठे समझ आयला यानी के अब कहीं जाकर हमको ये दुनिया क्या है ये समझ में आ रहा है, इस दुनिया के बारे में हमको मालूमात हासिल हो रही है और इसकी वजह क्या है, हमारी स्कूल, हमारे टीचर्स, हमारे सर, हमारे गुरुजी, ये क्या है, हमको ज्ञान देते हैं और हमारे स्कूल में ही हमको ये सब ज्ञान मिलता है, ये नॉलेज हमको वहाँ पर मिलता है और इस वजह से जग लागले आता कुठे समझायला यानी कि अब कहीं जाकर हमको ये दुनिया समझ में आ रही है। शाला नको आताच सुटायला यानी कि स्कूल अभी नहीं छूटनी चाहिए, स्कूल हमेशा चालू रहनी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई कभी नहीं रुकनी चाहिए, सब लोगों की ये ज़िम्मेदारी है कि बच्चों को स्कूल में अच्छे से भेजना चाहिए और उनको तालीम देनी चाहिए। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, जिनकी स्कूल छूट गई है, तो उनको भी क्या करना चाहिए, स्कूल में भेजना चाहिए, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी बनाने के लिए, उनको नॉलेज देने के लिए स्कूल भेजना बहुत ज़रूरी है, ऐसा हमको कवियत्री यहाँ पर कह रही है। नीचे हमको कवियत्री का नाम दिया गया है, ज्योति कदम,
इन्होंने ये कविता लिखी हुई है और किस तरह से उन्होंने हमारे स्कूल की इम्पोर्टेंस यानी कि स्कूल की क्या खासियत है और स्कूल में हमको क्या क्या हासिल होता है, किस तरह से हम वहाँ पर एक ज्ञान हमको मिलता है, किस तरह से हमारे गुरुजी, हमारे टीचर्स, हमारे भाई हमको नॉलेज देते हैं, किस तरह से हमारे ज़िंदगी के बारे में, इस दुनिया के बारे में वो हमको मालूम देते हैं, वो हमको इस कविता में बताया है। अब हम इस कविता के स्वाध्याय सॉल्व करेंगे। शाळा नको आता सुटायला, ये कविता अभी हमने अच्छे से पढ़ ली है। अब इस कविता के सवाल जवाब हम लिखेंगे, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसके सवाल जवाब लिखना। आप अपने नोटबुक्स निकाल लीजिए और नोटबुक्स निकाल कर उसमें इन सवालों के जवाब लिखिए। स्वाध्याय, प्रश्न पहला, एक दोन वाक्यात उत्तरे लिहा, यानी कि एक दो लाइन में या एक दो सेंटेंस में जवाब लिखिए। इसमें पहला है अ, विद्यार्थ्याला शाळेत कशासाठी जायचे आहे, यानी के स्टूडेंट को, विद्यार्थी यानी तलबा, स्टूडेंट्स को स्कूल में क्यों जाना चाहिए या क्यों जाना है, तो उसका उत्तर हम लिखेंगे। आप लिखिए अपने नोटबुक्स में। ज्ञानाचा खजीना लुटायला विविध विषयांचे अपार ज्ञान मिळवायला व यशाची शिखरे गाठायला विद्यार्थ्याला शाळेत जायचे आहे, यानि के नॉलेज का खजाना जो है, ज्ञान का खजाना लूटने के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट की जो मालूमात हासिल करने के लिए और तरक्की के शिखर को जीतने के लिए क्या करना है, विद्यार्थी को स्कूल जाना है। उसके बाद है आ, विद्यार्थ्याला विज्ञानातले काय जाणून घ्यायचे आहे, यानी के स्टूडेंट को, उस तलबा को साइंस सब्जेक्ट में से क्या क्या जानकर लेना है, तो इसका जवाब हम लिखेंगे। उत्तर, चंद्र ताऱ्यांना निरखून विज्ञान विषयातल्या गमती ही पारखायच्या आहे, चंद्र ताऱ्यांना निरखून विज्ञान विषयातल्या गमती ही पारखायच्या आहे, यानी के चांद तारों को देखकर, उनको निहार कर साइंस सब्जेक्ट में की उनको जो गम्मत है, जो मज़ा है वो चखनी है यहाँ पर। उसके बाद है ई, यशाची शिखरे के वहाँ दिसतील, यानी कि कामयाबी की शिखर या कामयाबी या मंजिल जो है वो कब मिलेगी, कब दिखेगी, तो इसका उत्तर लिखिए। जेव्हा बाई अवांतर माहिती सांगतात व गुरुजी निरंतर धड़े देतात तेव्हा यशाची शिखरे दिसतील, यानी कि जब उनके बाई यानी टीचर जो मालूमात देंगे और उनके गुरुजी जो उनको हमेशा जो एक सबक सिखाएंगे, धड़े देंगे, उसकी वजह से उनको यश की शिखर दिखेंगे, ऐसा यहाँ पे इनका कहना है। उसके बाद है ई, विद्यार्थ्याने ज्ञानाचे द्वार कशाला म्हटले आहे, यानी के तलबा ने ज्ञानाचे द्वार यानी के ज्ञान के द्वार किसे कहा है, तो उसका उत्तर हम लिखेंगे। विद्यार्थ्याने शाळा हे तुरुंग नसून ज्ञानाचे द्वार आहे असे म्हटले आहे, यानी के विद्यार्थी ने स्कूल ये एक जेल ना होते हुए नॉलेज हासिल करने का दरवाज़ा है, ऐसा यहाँ पर कहा है, द्वार यानी दरवाज़ा। अब यहाँ पर है प्रश्न दूसरा, योग्य पर्याय निवडा, यानी के सही ऑप्शन हमको यहाँ पर चूज करना है, तो इसमें अ है, शाळा नको आता सुटायला म्हणजे, यानी के इसका क्या मतलब होता है, हमको यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए गए हैं, स्कूल अभी नहीं छूटना चाहिए, इसका क्या मतलब होता है, शाळेची घंटा न वाजणे, जो पहला है शाळेची घंटा न वाजणे, दूसरा क्या है, शाळा सुटण्याची वेळ न होणे, तीसरा है विद्यार्थ्यांचे शिक्षण मध्येच बंद पडणे, तो इसका जवाब हम दूसरा लिखेंगे, शाळा सुटण्याची वेळ न होणे, यानी कि स्कूल छूटने का वक्त ना हो। ब,
जग लागले आता कुठे समझायला, यानी कि अब कहीं जाकर दुनिया समझ में आ रही है। इसका क्या, हमको तीन ऑप्शन है, इसका क्या मतलब होता है ये हमको देखकर लिखना है। पहला है जग भर प्रवास केला, दूसरा है जगातील घडामोडी समझू लागल्या, और तीसरा है जगाचा नकाशा समझला। तो इसमें से जो दूसरा ऑप्शन है जगातील घडामोडी समझू लागल्या, ये इसका आंसर है। तीसरा है क, यशाची शिखरे लागतील दिसायला म्हणजे, यानी कि कामयाबी के शिखर या कामयाब तरक्की जो दिखेंगी उसका क्या मतलब होता है यहाँ पर हमको लिखना है। एक है यश नावाचा पर्वतावर चढ़ने, दूसरा है गिर्यारोहक बनून बक्षीस मिळवणे, तीसरा है शिखरांप्रमाणे उंच व भरघोस यश प्राप्त करने। तो यहाँ पर हम जो तीसरा ऑप्शन है वो इसका जवाब है, यहाँ पर हम उसको लिखेंगे शिखरांप्रमाणे उंच व भरघोस यश प्राप्त करने। अब यहाँ पर है प्रश्न तीसरा, कवितेतील शेवट समान असणाऱ्या शब्दांच्या जोड्या लिहा, यानी कविता में जो शब्द दिए गए हैं उसमें जो आखिर का जो अल्फाज है वो जिसमें समान है यानी एक जैसा है वो शब्दों की जोड़ियाँ हमको यहाँ पर लिखनी है। जैसे हमको यहाँ पर उदाहरण दिया गया है फुटायला सुटायला। अब जैसा फुटायला का आखिरी में ला है और सुटायला का आखिरी में ला है, तो इस तरह से हमको जो लास्ट में जो अक्षर है वैसे समान अक्षर वाले शब्द कविता में ढूंढने हैं और लिखने हैं। तो यहाँ पर आप इसके उत्तर लिखिए घेऊया ऐकूया, उसके बाद लिखिए लुटायला सुटायला, उसके बाद लिखिए रानी गानी, उसके बाद लिखिए निरखूया पारखूया, उसके बाद लिखिए आठवायला सुटायला, उसके बाद लिखिए अवांतर निरंतर, उसके बाद लिखिए द्वार अपार, उसके बाद लिखिए समझायला सुटायला। इस तरह से आज हमने इस कविता को पढ़ लिया है और समझ लिया है। इसके सवाल जवाब आप अपने नोटबुक्स में अच्छे से लिखिए और अच्छे से याद कीजिए। यहाँ पर जो है आप प्रश्न चौथा हम देखेंगे जो थोड़ा ग्रामर से रिलेटेड है। इसके अंदर हमको क्रियापद लिखना है, क्रियापद यानी वहाँ पर क्या क्रिया हो रही है, क्या काम हो रहा है वो हमको यहाँ पर लिखना है। फुटायला या शब्दांमध्ये फुटने हे क्रियापद आहे, यानी फुटायला इस शब्द में फूटना ये क्रिया है, यहाँ पर ये जो काम हो रहा है फूटना। तसे खालील शब्दातील क्रियापदे ओळखा, वैसे ही नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनके हमको क्रियापद पहचानने हैं। क्रियापद यानी कि वहाँ पर क्रिया क्या हो रही है वो हमको देखना है। दिलेला शब्द सुटायला लुटायला आठवायला दिसायला समझायला, तो यहाँ पर हम इसके क्रियापद लिखेंगे। सुटायला का क्रियापद होगा सुटने, लुटायला का क्रियापद होगा लूटने, आठवायला का क्रियापद होगा आठवने, दिसायला का क्रियापद होगा दिसने, और समझायला का क्रियापद होगा समझने। इस तरह से इसके क्रियापद हम यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्न पांचवा, धड़ा देने धड़ा शिकवने धड़ाधड़ बोलने या वाक्य प्रचाराचे अर्थ समझून घ्या व वाक्यात उपयोग करा, यानी कि धड़ा देना यानी कि उसको सबक सिखाना यानी सबक देना, और धड़ा शिकवने यानी सबक सिखाना, धड़ाधड़ बोलने यानी कि धड़ाधड़ बोलना जोर जोर से बोलना, या वाक् प्रचाराचे अर्थ समझून यानी कि इस वाक्य प्रचार के मतलब समझकर आपको इसके वाक्य में उपयोग करके यानी कि सेंटेंस में इस्तेमाल करके इसके जवाब लिखने हैं। उसके बाद है प्रश्न सहावा, अपार अवांतर निरंतर कोड़ी हे शब्द खालील वाक्यात योग्य ठिकानी भरा, यानी कि ये जो अपार अवांतर निरंतर और कोड़ी ये जो हमको चार यहाँ पे अल्फाज दिए गए हैं उनको हमें नीचे जो खाली जगहें हैं उनके अंदर भरनी है, जहाँ पर जो सूट होता है यहाँ पर जो योग्य है वो वहाँ पर शब्द हमको भरना है। ओ मराठीतील शब्द रिकामी जागा सोडवायला मला आवडतात, तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं अपार अवांतर निरंतर कोड़ी
तो यहाँ पर हम इसका जो चौथा है कोड़ी वो लिखेंगे। मराठीतील शब्द कोड़ी सोडवायला मला आवडतात, यहाँ पर हमने क्या लिखे इसका आंसर, कोड़ी पहले का अ का। उसके बाद आ, श्रमजीवी लोग रिकामी जागा कष्ट करतात, तो यहाँ पर क्या करेंगे, श्रमजीवी लोग निरंतर कष्ट करतात यानी कि हमेशा मेहनत करते रहते हैं, तो दूसरे का जवाब हम लिखेंगे निरंतर। तीसरा ई, आई बाबा मुलांवर रिकामी जागा प्रेम करतात, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपार यानी कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, अमर्याद ऐसा यानी कि हमारे माँ बाप हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आई बाबा मुलांवर अपार प्रेम करतात यानी कि माँ बाप बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उसके बाद है ई, चौथा नंबर है, रिकामी जागा वाचनामुळे आपले ज्ञान वाढते, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अवांतर, अवांतर वाचनामुळे आपले ज्ञान वाढते यानी कि हमारे किताबों के बाहर के भी और भी ज़्यादा किताबें, जितनी ज़्यादा किताबें हम पढ़ेंगे हमको उतने ज़्यादा मालूमात हासिल होगी। इस तरह से हमने इस पार्ट के सभी क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए हैं। आप अपने नोटबुक्स में अच्छे से लिखिए और पढ़िए।